हाँ बच्चों देखो, हमें पता है पहले एन की जगह वन रखते हैं, तो एन की जगह वन रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा। फर्स्ट टर्म क्या है बताओ? तो आप बोलोगे वन इंटू थ्री, और यहाँ पे एन की जगह वन रखोगे तो क्या आएगा? टू इंटू वन माइनस वन, थ्री की पावर एन प्लस वन प्लस थ्री अपॉन फोर, प्लस थ्री अपॉन फोर। एन की जगह वन रखा बच्चों, एन की जगह वन रखा तो ये थ्री आया, टू वन जा टू और माइनस का वन तो वन आ गया। एन की जगह वन रखा तो थ्री की पावर टू, थ्री की पावर टू कितना होता है? नाइन, प्लस थ्री अपॉन फोर, तो नाइन प्लस थ्री कितना हो गया? ट्वेल्व, और ट्वेल्व अपॉन फोर क्या होता है? थ्री होता है। तो एन की जगह वन रखा तो बराबर आ गया, एल एच एस बराबर आ गया आर एच एस के, एल एच एस बराबर आ गया आर एच एस के। एन की जगह वन रखा तो एल एच एस और आर एच एस बराबर आ गया, एन की जगह वन रखा तो एल एच एस और आर एच एस बराबर आ गया। एन की जगह वन रखा तो एल एच एस और आर एच एस बराबर आ गया। देखो आप, एन की जगह बेटा मैंने वन रखा, कल हमने पढ़ा ना, पीएमआई पढ़ना स्टार्ट किया था हमने, एन की जगह बेटा वन रखा तो हमने क्या देखा? एल एच एस और आर एच एस बराबर आ गया। ऐसे आप एन की जगह टू रख लेना, वही बराबर आ जाएगा। बोलो पहली स्टेप समझ में आ गई? एन की जगह वन रखा मतलब फर्स्ट टर्म ले लिया, ऐसे आप एन की जगह टू रखना तो मतलब फर्स्ट टर्म भी लोगे और क्या लोगे? सेकंड टर्म भी लोगे। फर्स्ट टर्म लिया आपने और क्या लिया आपने? सेकंड टर्म लिया आपने, और एन की जगह टू पुट करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा? टू इंटू टू माइनस का वन, थ्री की पावर टू प्लस वन प्लस थ्री अपॉन फोर, तो कितना आ जाएगा? थ्री प्लस नाइन फोर, 36। टू प्लस टू फोर, फोर माइनस वन थ्री, फोर माइनस वन थ्री, और थ्री इंटू थ्री की पावर थ्री 27, प्लस थ्री बाय फोर, तो कितना आ गया? 39 आ गया ये तो, और वो कितना आ गया? 81, 81 प्लस थ्री बाय फोर, तो 39 आ गया। भाई टू का थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन टू जो 18, सॉरी नाइन टू जो 18, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन टू जो 18, और 18 प्लस थ्री 21 हो गया, 18 प्लस थ्री, और देखो 84 अपॉन 4 आ गया, 84 अपॉन 4 क्या होता है? 21 होता है। तो n की जगह 1 रखा दोनों बराबर था, n की जगह 2 रखा वो भी दोनों बराबर था, n की जगह 1 रखा दोनों तरफ बराबर था, LHS बराबर RHS था, n की जगह 2 रखा LHS बराबर RHS था। यहां तक बात समझ में आ गई कि बच्चों? बेटा यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। यस सर। हाँ अब बेटा इसके आगे पढ़ते हैं। देखो ये तो सिंपल वाला काम था, अब एन की जगह हम के रखेंगे और के प्लस वन रखेंगे, उसको देख के बराबर बताएंगे। देखो एन की जगह हम के रखेंगे और के प्लस वन रखेंगे, तो इसको अगले पेज पे ले जाते हैं। देखो बेटा, अब बेटा ये मेन स्टेप यहां से स्टार्ट होता है टॉपिक, एन इक्वल्स टू के, लेट इट बी ट्रू, लेट इट बी ट्रू, इसको सही मान लेंगे बेटा, लेट इट बी ट्रू। एन की जगह के रखेंगे मतलब फर्स्ट टर्म लेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे वन इंटू थ्री, फिर टू इंटू थ्री का स्क्वायर, और ये चलता जाएगा ऐसे डॉट 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 डॉट, और के इंटू थ्री की पावर एन, के इंटू थ्री की पावर के, बराबर आ जाएगा बेटा टू के माइनस वन, टू के माइनस वन, थ्री की पावर के प्लस वन प्लस थ्री। बस जहां एन आ रहा था उसकी जगह के करा और कुछ भी नहीं करा, जहां एन आ रहा था उसकी जगह के लिखा और कुछ भी नहीं करा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। और फिर एन इक्वल टू के प्लस वन को प्रूफ करके दिखाते हैं। अब एन इक्वल टू के प्लस वन मतलब के प्लस वन टर्म्स आएंगी, और अगर के प्लस वन टर्म्स आएंगी तो पहली के टर्म्स तो ऐसे कैसे कॉपी करनी पड़ेंगी, तो पहली के टर्म्स को ऐसे कैसे हमने कॉपी कर लिया, पहली के टर्म्स को हमने ऐसे कैसे कॉपी कर लिया। देखो पहली टेक के टर्म्स ऐसे कैसे कॉपी हो गई, इसके बाद एक टर्म और आएगा, एक टर्म और आएगा, वो कैसे पता पड़ेगा? तो एन की जगह के प्लस वन रखो, एन की जगह के प्लस वन रखो, तो एन की जगह आपने रखा के प्लस वन, एन की जगह आपने रखा के प्लस वन। बोलो ये स्टेप समझ में आया क्या बेटा?
कल सिखाया था एन की जगह के रखते हैं तो के टर्म्स तो ऐसे कैसे कॉपी करते हैं, ये जो के टर्म्स होती है इनको तो ऐसे कैसे कॉपी करते हैं, और उसके बाद अगली टर्म और आती है, उसके बाद अगली टर्म और आती है। बोलो बात समझ में आई कि तीसरी? यस अच्छा सर, है ना, अब एन की जगह के यस प्लस वन सर, यहाँ रखना है। अब देखो के प्लस वन रखने गलती करना, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं एन की जगह के प्लस वन रखने पर। आप बताओ क्या आएगा, एन की जगह अगर के प्लस वन रखोगे तो क्या आएगा? बोलो एन की जगह अगर के प्लस वन रखोगे तो क्या आएगा बताओ। बोल दो बेटा यार, मैसेज कर दो, कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एन की जगह के प्लस वन रखोगे तो क्या आएगा बेटा बताओ। अगर यहां पर एन की जगह के प्लस वन रखोगे तो क्या आएगा बेटा? चलो मत बोलो, कोई बात नहीं, टू अच्छा क्या आएगा? 2k+1 -1 अरे मेरे बेटा टू सॉल्व होके के फाइनल प्लस आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर क्या आएगा सॉल्व होके? क्या आएगा? 2k टू के आएगा। अब बेटा देखो, मैं कह रहा यहाँ पे कुछ गलती हो जाती है। देखो समझो बात को बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ढंग से समझ लो बेटा। देखो एन की जगह के प्लस वन रखना, तो एन को ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखो, एन की जगह ब्रैकेट लगा के लिखो ऐसे के प्लस वन को। अब सॉल्व करके देखो तो क्या आएगा, 2k आएगा, +2 आएगा और -1 आएगा, तो कितना आएगा बेटा? तो आप बताओगे 2k+1 आएगा। अरे मां समझ, गलती क्या होती है, हम एन की जगह सीधा सीधा पुट कर देते हैं ऐसे 2k+1 और फिर ऐसे काट देते हैं, ये गलत तरीका है भाई। एन की जगह आएगा तो एन 2 से मल्टीप्लाइड है, तो के प्लस वन भी 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ये गलती हो जाती है बेटा यहाँ पे ना। तो यहाँ गलती नहीं करें, 2k+1 -1 यहाँ पे लिखोगे एन की जगह के प्लस वन तो क्या आएगा बेटा? 3k+1+1+3 और अपॉन में 4, ऐसे कैसे कॉपी हो जाएगा? ये स्टेप समझ में आया क्या बेटा बताओ? यस सर, अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, तो ये तो ऐसे कैसे कॉपी करना पड़ेगा पूरा की पूरा, ये तो पूरा की पूरा कॉपी कर लेते हैं ऐसे कैसे, ये तो पूरा की पूरा कॉपी हो जाएगा ऐसे कैसे। अब एन की जगह लिखेंगे देखो, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सीधा कर दूं उसको, क्या आएगा 2k+1 आएगा, 3k+2 आएगा, प्लस का 3 आएगा और अपॉन में 4 आएगा। बोलो बेटा आई बात समझ में? यस सर, अब बेटा देखो यहां से लेके यहां तक का वैल्यू पता है हमारे को, यहां से लेके यहां तक का वैल्यू पता है, ये रहा यहां से लेके यहां तक का वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे ये रहा, तो इस वैल्यू को लाके पुट करेंगे, इस वैल्यू को लाके पुट करेंगे बेटा, तो इस वैल्यू को यहां लाके पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2k-1, 2k-1 मल्टीप्लाइड बाय 3k+1 प्लस 3/4। अभी जो वैल्यू आया वो इतने का वैल्यू आया है ना, अभी इतना बचा है तो प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, और बस अब हमें इतना सा प्रूफ करना है कि सॉल्व होके जो आंसर आएगा, जो इसको सॉल्व होके आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो अब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। अभी तो यहाँ गलती होती है बहुत ज्यादा, ध्यान से देख लो कैसे एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं। ये देखो 4 LCM आ गया, अब ये तो ऐसे कैसे कॉपी कर लिया, 2k-1 कॉपी हो गया देखो ऐसे कैसे, 3k+1 कॉपी हो गया ऐसे कैसे, +3 कॉपी हो गया। अब ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, भाई एलसीएम में यही होता है, तो 4 उधर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बेटा? तो आप बताओगे आएगा सर 4 into k+1 उसकी हो इंटू 3k+1। बोलो बेटा यहां तक कोई दिक्कत हो तो? अब बेटा ये गलती नो मत सर, करना जो कल करी थी आप लोगों ने गलती, अगर 4 को 3k+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बोलेगा कोई? अगर 4 को 3k+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बेटा बोल दो प्लीज, कल ही सिखाया था ना, कोई बात नहीं, नहीं याद है सही तो कल, मल्टीप्लाई होगा ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता है ना, ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे रह जाएगा ना, तो ये यहाँ गलती मत करना। अच्छा अब देखो ध्यान से, इन दोनों में से 3k+1 कॉमन आ जाएगा। देखो अब मैं टिक मारता हूँ, इसमें से और इसमें से 3k+1 कॉमन आ जाएगा। देखो आप बताओ आ रहा है क्या 3k+1 कॉमन? तो
तो इन दोनों में से 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, 4 तो एलसीएम आ गया ऐसे कैसे, और इन दोनों में से 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन आ गया, क्या बचेगा? तो आप बताओगे बचेगा, यहां पे तो बचेगा 2k माइनस 1, और यहां पे क्या बचेगा? तो आप बताओगे 4k प्लस 4 बचेगा। बोलो आया ना भाई, इन दोनों में से हमने 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा? यहां पे बचेगा 2k माइनस 1, और यहां पे क्या बचेगा? 4k प्लस 4 बचेगा, और प्लस का 3 कॉपी हो गया, प्लस का 3 एज इट इज कॉपी हो गया। अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखो बेटा 4 तो ऐसे ऐसे कॉपी हो गया, 2k प्लस 4k कितना हो जाएगा बेटा 6k, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा 3, और 3 की पावर k प्लस 1, 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। अब बेटा यहां से देखो 3 कॉमन आ रहा है बेटा, यहां से देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो ये हमने 3 कॉमन निकाल लिया बेटा, बचा क्या 3k, 3 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या 2k प्लस 1, 3 कॉमन आ गया बेटा, और ये 3 की पावर k प्लस 1 कॉपी हो गया, प्लस 3, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी क्या, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी क्या, तो क्या आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा, 2k प्लस 1 आ जाएगा, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिया, पावर को ऐड करा तो बेस सेम है, पावर ऐड होके कितना हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1, कितना आ जाएगा k प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 3। और देखो आपने प्रूव कर दिया कि LHS बराबर हो गया RHS के, ये देखो आप, यही तो आपको प्रूव करना था, देखो ये रहा, ये आपने प्रूव किया और ये इसके बराबर आ गया, देखो तो आपने प्रूव कर दिया कि LHS और RHS बराबर हैं। कॉपी करो, डाउट है तो बोलो, कहीं पे दिक्कत है तो आपको नहीं आया समझ में बोलो। कोई भी स्टेप में नहीं आया तो बोल दो, सर यहां से नहीं आया, यहां से समझा दो, देखो ये आ गया क्या, ये आया क्या, अगला स्टेप बताओ, ये स्टेप बता दो, कुछ भी नहीं करा, बिल्कुल बेसिक मैथ्स लगाया, सिर्फ एड सबट्रैक्ट करा, कुछ नहीं करा है। पीडीएफ मिल जाएगा पूरा की पूरा जो मैंने लिखा है एज इट इज। जो मैंने लिखा है वो एज इट इज पीडीएफ में मिल जाएगा आपको बेटा। बोलिए बेटा, कोई दिक्कत हो तो, कॉपी हो जाए तो बोलिएगा, कॉपी हो गया सर, डन डन। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देखो बेटा आपको दे रखा है 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4। अब देखो बेटा n equals to 1 रखेंगे, n equals to 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म लेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है तो आप बताओगे 1 into 2 है, n की जगह 1 रखो कितना आएगा, देखो 1 plus 1 कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 2 कितना आएगा 3 अपॉन 3, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बराबर 2 आ जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे, n की जगह 2 रखेंगे तो फर्स्ट 2 टर्म्स आएंगी, फर्स्ट 2 टर्म्स आएंगी तो क्या आएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, और यहां पे n की जगह 2 रखोगे तो क्या आएगा, देखो 2 प्लस 1 क्या होता है 3, 2 प्लस 2 क्या होता है 4 अपॉन 3। अब देखो 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 8, देखो LHS और RHS बराबर आ गए क्या, तो n की जगह 1 रखा, n की जगह 2 रखा, दोनों बराबर आ गए, ये तो हमेशा बराबर आएंगे ही आएंगे। कॉपी कर लो, तसा n की जगह 1 रखा, n की जगह 2 रखा, बराबर आ गए, कॉपी कर लो तसा फटाफट। हो गया कॉपी बच्चों? यस सर। अब n की जगह k रखेंगे, फिर k प्लस 1 रखेंगे, फिर प्रूफ होगा, तो पहले n की जगह k रखेंगे बेटा, तो n इक्वल टू k, लेट इट बी ट्रू, इसको सही मान लेंगे। और मैंने कल भी कहा था, वापस कह रहा हूं मेरे बेटा, पहली टर्म लिया करो, आखिरी टर्म लिया करो, बीच की सारी टर्म मत लिखा करो, समय बचेगा। 1 इंटू 2 प्लस लगाओ डॉट 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 प्लस, और आखिरी टर्म में लिखो k इंटू k प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आएगा k, k, k प्लस 1, k प्लस 2 अपॉन 3, k, k प्लस 1, k प्लस 2 अपॉन 3।
अब बेटा एन की जगह रखेंगे के प्लस वन, ये स्टेप समझ में आई गया होगा बेटा आपको। एन की जगह जब के प्लस वन रखते हैं बेटा तो पहली के टर्म्स कॉपी करनी पड़ती हैं, तो हम पहली के टर्म्स को ऐसे कैसे कॉपी कर लेंगे, पहली के टर्म्स से बेटा इनको ऐसे कैसे कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद एक टर्म और आती है, इसके बाद एक टर्म और आती है, कौन सी टर्म आती है, के प्लस वन वाली टर्म आती है। कैसे मिलती है, आखिरी टर्म में रख के मिलती है, आखिरी टर्म में रख के मिलती है। तो एन की जगह रखेंगे, एन की जगह रखेंगे के प्लस वन, एन की जगह रखेंगे के प्लस वन, तो एन की जगह के प्लस वन रखेंगे, देखो रखा प्लस, एन की जगह रखो के प्लस वन तो क्या आएगा के प्लस वन, एन की जगह रखो के प्लस वन तो क्या आएगा के प्लस वन प्लस वन, कितना आएगा बताओ, बोला करो बेटा के प्लस टू आएगा। यहां पे रखो बताओ क्या आएगा, एन की जगह के प्लस वन रखो बताओ क्या आएगा, बोलो बेटा, मानो क्लास में बैठे हो, बोला करो प्लीज, बोलो बेटा बोलो, एन की जगह के प्लस वन रखो बताओ क्या आएगा, इसमें रखो एन की जगह के प्लस वन बताओ क्या आएगा, के प्लस वन आएगा तो के प्लस टू हो जाएगा क्या, के प्लस वन आएगा तो के प्लस टू हो जाएगा। यहाँ पे रखो एन की जगह के प्लस वन बताओ क्या आएगा, बोलो के प्लस थ्री, के प्लस थ्री आएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। ये हमें प्रूफ करना होता है, एन की जगह के प्लस वन रखते हैं और जो आता है उसको हमें प्रूफ करना होता है, जो आता है उसको हमें क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। अब देखो बेटा यहां से लेके यहां तक का वैल्यू पता है बेटा हमारे को, इसका वैल्यू कितना है, ये रहा के, के प्लस वन, के प्लस टू अपॉन थ्री, और आखिरी टर्म पता है हमारे को वो है के प्लस वन, के प्लस टू, अपॉन में कुछ नहीं तो वन मान लो। अब एलसीएम लेके सॉल्व करो बेटा, तो आएगा के, के प्लस वन, के प्लस टू, भाई इसका वैल्यू पता है हमारे को, ये रहा यहां से लेके यहां तक का वैल्यू ये रहा, और इसको प्रूफ करना है, इसको ऐड करने पर ये आना चाहिए। देखो एलसीएम लेके तो थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो थ्री टाइम्स के प्लस वन, के प्लस टू, और के प्लस वन, के प्लस टू कॉमन निकल जाएगा, के प्लस वन और के प्लस टू कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे बचेगा के और यहाँ बचेगा थ्री, क्या बचेगा के प्लस थ्री, और अपॉन में क्या आ जाएगा थ्री। और बेटा यही तो देखो प्रूफ करना था हमारे को, बोलो बच्चों आया नहीं आया समझ में, यस सर, यस सर, कॉपी करो बेटा, कॉपी करो, अगर कोई बच्चा आज ही आया है तो उसको थोड़ा कम समझ में आएगा बेटा, क्योंकि कल का छूटा हुआ है पूरा पूरा। अगर आप में से कोई बच्चा आज ही क्लास में पहली बार आया है बेटा तो उसको थोड़ा आज कम समझ में आएगा, क्योंकि बेटा कल का पूरा छूटा हुआ है। अब एक भाई एक दो दिन में चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें पूरा समझ में आ जाएगा। अगर मैं कल का वापस अभी पढ़ाऊंगा बेटा तो फिर अब आज कुछ नया नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो बेटा। कोई बच्चा नया है क्या जो पहली बार क्लास में आया आप में से, तो आज का थोड़ा कम समझ में आएगा मेरे बेटा। मैं रिवीजन करा दूंगा चैप्टर का, परेशानी मत होइएगा जो नया बच्चा है, मैं पूरा रिवीजन करा दूंगा चैप्टर का, वापस से पढ़ा दूंगा चैप्टर पूरा पूरा। कॉपी हो जाए तो बोलिएगा बेटा। डन सर। हाँ बेटा आपको आज दिक्कत आएगा मेरे बेटा, एक दो दिन दिक्कत आएगा, बाकी मैं बेटा पूरा रिवीजन करा दूंगा, परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी, ठीक है बेटा, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, पूरा समझ में आ जाएगा मिताली, समझ में पूरा आ जाएगा बेटा, आप आ जाए ना कोई बात नहीं। देखो तो बेटा स्टेप तो ये था बेटा, मैं बताऊँ, एन की जगह पहले वन रखते हैं, फिर टू रखते हैं, फिर के रखते हैं, के प्लस वन रखते हैं, चार स्टेप का काम था सारा। देखो ऐसे था बेटा, बेटा पहले एन की जगह वन रखते हैं, एन की जगह पहले वन रखते हैं बेटा, एन की जगह वन रखते हैं मतलब फर्स्ट टर्म लेते हैं, फर्स्ट टर्म क्या बताओ, तो आप बोलोगे वन इंटू टू है, और यहाँ पे एन की जगह वन रखते हैं बेटा, एन की जगह वन रखते हैं, तो एन की जगह वन रखो, एन की जगह वन रखा तो वन माइनस वन, टू की पावर वन प्लस वन प्लस टू, वन इंटू टू टू हो गया बेटा,
वन माइनस वन जीरो आ गया, जीरो इंटू एनी नंबर जीरो होता है, तो एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। एन की जगह वन रखा बराबर आएगा हमेशा, एन की जगह टू रखेंगे वही बराबर आएगा हमेशा, एन की जगह टू रखो तो फर्स्ट टर्म ले लो वन इंटू टू प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर, टू इंटू टू का स्क्वायर, और यहां पे एन की जगह टू लाके रख दो बेटा, तो टू माइनस वन इंटू टू की पावर टू प्लस वन प्लस टू। अब देखो टू का स्क्वायर फोर, फोर टू जा एट, टू प्लस एट टेन हो जाएगा बेटा। यहां पे देखो ये वन हो गया, टू की पावर थ्री एट हो गया, एट प्लस टू टेन हो जाएगा, तो एल एच एस बराबर आ गया आर एच एस के। एन की जगह पहले बेटा वन रखते हैं फिर एन की जगह टू रखते हैं। वन रखने का मतलब फर्स्ट टर्म लो और टू रखने का मतलब होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म लो। बोलो यहां तक समझ में आ गया मिताली? यस सर। है ना? अब बेटा अब अगला स्टेप समझाता हूँ, इतना सा कॉपी करो। इतना सा कॉपी करो, अगला स्टेप में जाता हूँ। यस सर, हो गया कॉपी। अब एन की जगह बेटा के रखते हैं उसको सही मान लेते हैं, एन की जगह के रखते हैं बेटा उसको सही मान लेते हैं, तो पुट पुट एन इक्वल्स टू के, एन इक्वल्स टू के, लेट इट बी ट्रू, लेट इट बी ट्रू। एन की जगह के रखते हैं उसको सही मान लेते हैं, तो n की जगह k रखेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, तो आप बताओगे फर्स्ट टर्म है वन इंटू टू और ये बराबर फर्स्ट टर्म लेंगे प्लस आखिरी टर्म में रखो, आखिरी टर्म में n की जगह k रखो, आखिरी टर्म में n की जगह k रखो, तो आखिरी टर्म में n की जगह आपने k रखा तो k इंटू टू की पावर k बराबर हो जाएगा बेटा k माइनस वन टू की पावर k प्लस वन प्लस टू, टू की पावर k प्लस वन प्लस टू। एन की जगह के रखते हैं बेटा, एन की जगह के रखते हैं तो हम सारी टर्म लिखने का मतलब नहीं होता, हमारे काम में फर्स्ट टर्म आती है लास्ट टर्म आती है, तो एन की जगह के रखा बेटा और सही मान लिया। अगला स्टेप होता है पुट एन इक्वल्स टू के प्लस वन और इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए भाई भाई पहली दो टर्म्स मान लो ऐसे में लिखूं, पहली टर्म है वन, अगली टर्म है थ्री, फिर फाइव, अगली टर्म है सेवन, यहाँ पहली चार टर्म है, अगली पांच टर्म लिखूंगा तो क्या आएंगी वन थ्री फाइव सेवन नाइन। तो अगर ये पहली के टर्म्स हैं और ये पहली के प्लस वन टर्म्स हैं तो पहली के प्लस वन टर्म्स में ये टर्म्स तो आएंगी आएंगी भाई, पहली के प्लस वन टर्म्स में ये वाली टर्म्स तो आएंगी आएंगी। तो हम वही कर रहे हैं बेटा, पहली के प्लस वन टर्म्स चाहिए हमारे को, पहली के प्लस वन टर्म्स चाहिए तो के टर्म्स तो ऐसे कैसे कॉपी होके आएंगी, पहली के टर्म्स तो ऐसे कैसे कॉपी होके आएंगी। तो पहली के टर्म्स देखो ऐसे कैसे कॉपी होके आ गई, पहली के टर्म्स देखो ऐसे कैसे कॉपी होके आ गई। अब इसके बाद एक टर्म और आएगा और वो कम टर्म कैसे पता पड़ेगा, एन की जगह रखो के प्लस वन, तो रखोगे तो क्या आएगा के प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय टू इन टू की पावर के प्लस वन। अब यहां पे भी एन की जगह के प्लस वन रखोगे बेटा, रखने में गलती नहीं, के प्लस वन माइनस वन तो प्लस वन माइनस वन कट जाएगा बेटा, तो के आ जाएगा, 2 की पावर में क्या आएगा k प्लस वन प्लस वन, तो कितना हो जाएगा k प्लस टू हो जाएगा क्या। अब हम सॉल्व करना है ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन। अब बेटा देखो यहां से लेके यहां तक का वैल्यू पता है आपको, यहां से लेके यहां तक का वैल्यू क्या ये रहा, तो इसका वैल्यू यहां ले आओ, इस यहां से लेके यहां तक का वैल्यू पता है देखो ये रहा, तो ये वैल्यू उठा के यहां पे ले आओ, तो क्या आएगा बेटा देखो वैल्यू लाके रखा मैंने तो वैल्यू आया k माइनस वन टू की पावर के प्लस वन प्लस टू, और एक टर्म इसके बाद एक्स्ट्रा और आ गई वो ये टर्म है, तो प्लस कर दो के प्लस वन टू की पावर के प्लस वन, और ऐड करने पर क्या आना चाहिए यही आना चाहिए भाई, ऐड करने पर क्या आना चाहिए यही आना चाहिए, तो ऐड करके देखेंगे। देखो बेस सेम है बेटा दोनों का, वो टू की पावर के प्लस वन है तो टू की पावर के प्लस वन कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा बच्चों तो आप बताओगे यहां बचेगा k माइनस वन और यहां बचेगा k प्लस वन, भाई दोनों में से 2 की पावर k प्लस वन कॉमन निकाल लिया और 2 को एज इट इज कॉपी कर दिया। अब देखो बेटा प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा बेटा, k और k क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा। अब यहां देखो बेटा बेस सेम है तो पावर क्या होंगी ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर क्या होंगी ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर k प्लस वन आ जाएगा और प्लस टू, तो क्या आ जाएगा के
टू की पावर के प्लस टू प्लस टू, और देखो यही प्रूफ करना था बेटा, सेम आ गया बेटा प्रूफ। ओके बेटा आया क्या समझ में मिताली? बाकी बच्चे बताओ। यस सर। यस सर। आगे ना समझ बच्चों, और डाउट होगा तो और क्लियर करेंगे, बोल देना कहीं पे डाउट आया बेटा। बेटा कहीं पे कोई दिक्कत आए, किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो भाई को बताना, मैं हर चीज क्लियर कर दूंगा बेटा, है ना? चेंज करूं बेटा पेज, कॉपी हो गया वो तो? यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब बेटा देखो साथ में आप लोग भी, अब कॉपी पेन लेके आप लोग भी करना स्टार्ट करो, अब आप लोगों से क्वेश्चन हो पाएंगे बेटा। अब आप ट्राई करो, देखो एन की जगह पहले वन रखो, तो आपको दिख रहा है ये वन अपॉन टू है फर्स्ट टर्म यहाँ पे, और यहाँ पे एन की जगह वन रखेंगे तो क्या आएगा? देखो रखो वन माइनस टू की पावर वन, और वन में से अगर हाफ जाएगा तो क्या आएगा? हाफ ही तो आएगा भाई, वन में से आधा गया तो आधा ही तो रह गया। एन की जगह टू रख के देखो बेटा, वो भी सही आएगा, रख के देखो हाफ प्लस वन बाय फोर, हाफ प्लस वन बाय फोर, और ये आ गया वन माइनस वन अपॉन टू की पावर टू, तो इसको ऐड करो तो फोर एलसीएम आ गया, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, और यहाँ पे फोर एलसीएम आ गया तो फोर वन जा फोर माइनस का वन, और देखो बराबर आ गया क्या? तो n बराबर वन सही है, n बराबर टू सही है। कॉपी करो, फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में, अब इसके आगे करेंगे। कॉपी करो, हो गया कॉपी बच्चों? यस सर। है ना बेटा, अब एन की जगह के रखेंगे बेटा, एन की जगह के, और लेट इट बी ट्रू, लेट इट बी ट्रू। अब बताओ मैं क्या लिखूंगा? तो आप बताओगे सर फर्स्ट टर्म लिख दो, प्लस लगा के डॉट डॉट लगा दो, और आखिरी टर्म लिख दो। है ना बेटा, अब n की जगह मैं k प्लस वन रखूंगा, n की जगह मैं k प्लस वन रखूंगा, तो अब मैं क्या करूंगा? आप बोलोगे पहली k टर्म्स को ऐसे कैसे कॉपी कर दो, पहली k टर्म्स को ऐसे कैसे कॉपी कर दो, और उसके बाद एक टर्म और आएगा, उसके बाद एक टर्म और आएगा। कौन सा टर्म आएगा? वो टर्म क्या होगा बताएगा कोई? वो टर्म क्या होगा कैसे पता पड़ेगा? बोलो वो टर्म क्या होगा बताओ, कैसे पता पड़ेगा? वन अपॉन टू की पावर एन की जगह के प्लस वन रखो बेटा, एन की जगह के प्लस वन रखो, वो टर्म आ जाएगा। तो एन की जगह के प्लस वन रख दिया आपने, बचा क्या बेटा? वन माइनस वन अपॉन टू की पावर के प्लस वन। बोलो बेटा, बोलो कोई डाउट हो बेटा, बोलो प्लीज। नो सर। अब बेटा देखो हमें वैल्यू पता है मेरे बेटा, हमें पता है यहां से लेके यहां तक का वैल्यू क्या है, 1 माइनस टू की पावर के है, तो इस वैल्यू को बेटा यहाँ लाके पुट कर देंगे, इस वैल्यू को यहाँ लाके पुट कर देंगे, तो वैल्यू को लाके पुट करेंगे तो क्या आएगा? तो आप बताओगे 1 माइनस 1 अपॉन 2 के आएगा, और इस वाली टर्म को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। अब 2 की पावर के प्लस 1, इसका मतलब क्या होता है? तो आप बताओगे सर इसका मतलब होता है 2 की पावर के इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर के इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर के इंटू 2 की पावर 1, होता है ना बेटा ये तो याद है ना, ए की पावर बी प्लस सी क्या होता है? तो आप बताओगे ए की पावर बी होता है इंटू ए की पावर सी होता है, तो टू की पावर के आएगा इंटू टू की पावर वन आएगा। अब सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने में गलती नहीं, वन को तो वन ही लिखा, इन दोनों का एलसीएम लोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा? तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा टू की पावर के इंटू टू, भाई एलसीएम यही तो आएगा एलसीएम। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें? तो आप बोलोगे टू मल्टीप्लाई करो, तो माइनस का टू हो जाएगा,
इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, तो आप बोलोगे वन मल्टीप्लाई करो, भाई इसमें टू मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का तो माइनस का टू हो जाएगा, और इसमें वन मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस का टू प्लस का वन क्या होता है, तो आप बताओगे माइनस का वन होता है। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और ये प्रूफ कर दिया बेटा आपने, देखो सेम ही तो चीज आ गई, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखो आप, ये सॉरी ये वाला पार्ट सेम ही तो आ गया, देखो कॉपी कर लो बेटा, कॉपी कर लो, बेसिक आइडिया समझ में आया मेरे बेटा? Yes, sir. अब बेटा देखो हमारी जो एक्सरसाइज 4.1 चल रही है बेटा, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 10 तक ट्राई जरूर करना घर बैठ के आज, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 10 तक एक बार बैठ के जरूर ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 1.2 मैंने कल कराया था, 3 मैं कराऊंगा बेटा, 3 मैं कराऊंगा अभी, 4 से लेके 10 तक एक बार जरूर ट्राई करना बैठ के, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट बहुत ढंग से क्लियर भी हो जाएगा, है ना बेटा, जरूर से ट्राई करिएगा। ओके सर। है ना बेटा, अगर हर रोज का काम हर रोज करेंगे तो आगे जाके बर्डन नहीं आएगा कभी भी। मैं चेंज करूं मेरा पेज को? यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। देखो सारे क्वेश्चन पढ़ने कर ली क्लास में ऐसे, तो फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे घर जाके तो आपको अच्छा आ जाएगा मेरे बेटा। अब n की जगह 1 रखो बेटा तो क्या आएगा, 1/10 आ जाएगा, 2 × 5 क्या होता है, 1/10 होता है। n की जगह 1 रखो तो कितना आएगा, 1 6 + 4 कितना होता है, 10, तो बराबर आ गया 1/10 बराबर आ गया 1/10 के। ऐसे n की जगह 2 रख देना तो ये तो आ जाएगा 1/10, n की जगह 2 रख देना बेटा ये तो आ जाएगा 1/10, ये आ जाएगा 8 × 5 = 40, n की जगह 2 रखना तो ये 2 आ जाएगा बेटा, और ये आएगा 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12 प्लस 4, एलसीएम ले लो 40 एलसीएम आ जाएगा, 10 × 4 = 4 = 41 तो 5/40 आ गया, 5/40 क्या होता है, 1/8, इसको सॉल्व करो, ये 2 आ गया, ये 16 आ गया, कैंसिल करके देखो कितना आ रहा है, तो 1/80 आ रहा है। बोलो बेटा यहां तक समझ में आ गया क्या? अब n की जगह k रखेंगे बेटा और प्रूफ करके दिखाएंगे। बेटा चेंज कर लूं पेज को बेटा, बच्चों बोलो प्लीज। यस सर। एन की जगह के रखेंगे बेटा, लेट इट बी ट्रू, लेट इट बी ट्रू, तो एन की जगह के रखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, 1/2 × 5 आएगा, फिर क्या आएगा, डॉट डॉट डॉट, एन की जगह के रखोगे तो क्या आएगा, 3 × 3k - 1 और 3k + 2 आएगा, और एन की जगह के रखोगे तो के आएगा अपॉन में 6k + 4 आएगा। अब एन की जगह के प्लस वन रखोगे, एन की जगह के प्लस वन रखोगे तो पहली के टर्म्स तो ऐसे कैसे कॉपी हो जाएंगी, पहली के टर्म्स तो ऐसे कैसे कॉपी हो जाएंगी, तो पहली के टर्म्स तो ऐसे कैसे कॉपी हो गई। इसके बाद एक टर्म और आएगी और वो कैसे आएगी, तो आप बताओगे के प्लस वन रख के आएगी, यहां पर के प्लस वन रखोगे। अब रखने में गलती मत करना, कैसे रखोगे बताओ, 3k + 1 - 1 ऐसे रखोगे ब्रैकेट लगा के, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, तो कितना आएगा, 3k आएगा प्लस 3 आएगा माइनस का 1 आएगा, तो कितना आएगा, 3k + 2 आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है तीसरी वाली, तो क्या आएगा, 1/3k। हाँ मैं वापस समझाता हूँ मेरे बेटा, देखो मेरे बेटा देखो, एन की जगह के प्लस वन रखोगे, एन की जगह के प्लस वन रखोगे तो 3, एन की जगह रखा के प्लस वन माइनस का 1, तो क्या आएगा बेटा, तो बताओ 3k आएगा प्लस 3 आएगा,
भाई थ्री इससे भी मल्टीप्लाई होगा, थ्री इससे ही मल्टीप्लाई होगा, और माइनस का वन आएगा, तो क्या आएगा बेटा? तो आप बताओगे थ्री के प्लस टू आएगा, तो क्या आएगा? थ्री के प्लस टू आएगा। एन की जगह के प्लस वन यहां रखोगे बेटा तो क्या आएगा? थ्री आएगा, के प्लस वन आएगा, प्लस टू आएगा, तो क्या आएगा? थ्री के प्लस थ्री आएगा और प्लस का टू आएगा, तो कितना आएगा? थ्री के प्लस फाइव आएगा। बोलो आई क्या बात समझ में? इक्वल्स टू में क्या आएगा? एन की जगह रखोगे के प्लस वन, बताओ नीचे कितना आएगा? बताओ नीचे कितना आएगा? नीचे कितना आएगा? सिक्स के प्लस वन प्लस फोर, तो कितना आएगा? सिक्स के प्लस फोर आएगा, सिक्स के प्लस सिक्स प्लस फोर आएगा, तो कितना आएगा? सिक्स के प्लस टेन आ जाएगा। बोलो बच्चों यहां तक समझ में आ गया क्या? आगे कल कंटिन्यू करेंगे, क्लास खत्म होने वाला है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, कॉपी कर लो, आगे कल इसी के आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों, अभी पीडीएफ मिल जाएगा पूरा की पूरा आपको। थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।